बड़ी खबर मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी से अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है और कल एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक के लिए मांझी को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है, यानी हलचल बहुत तेज है। जीतन राम मांझी से खुद अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है और कल दिल्ली में ये बैठक होनी है। अब दरअसल बीजेपी के लिए उसके सहयोगी बहुत जरूरी हो चुके हैं और कितने जरूरी है उसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। और प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रकाश, लगातार फोन जाने शुरू हो गए नेताओं को। बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से जैसे ही नंबर गेम का फासला शुरू होता है उसी तरह से पाशा बदल जा रहा है। अब जीतन राम मांझी जो सिर्फ एक सीट जिनके पास है, गया से वो चुनाव जीत रहे हैं, तो उसको देखते हुए जीतन राम मांझी ने उनको फोन करके बधाई भी दी और साथ में ये भी कहा कि कल एनडीए की बैठक है उसमें वो जरूर आए। इस मामले में जानकारी दी गई है मीडिया में और इस स्पष्ट है इस बात से कि जीतन राम मांझी अब वो देखेंगे कि कैसे किनके साथ कहां कब जाना है, आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फिर से बात करेंगे कि आगे की रणनीति साथ में तय करनी है या फिर बीजेपी के साथ जाना है। तो एक तरह से बिहार की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। जी बिल्कुल, और गठबंधन के सहयोगी कितने अब जरूरी हो गए इसका अंदाजा आप लगाइए कि जीतन राम मांझी से भी संपर्क फौरन किया गया है, सिर्फ एक उनके पास सांसद जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब किस तरीके से अपने साथ लोगों को रखने की कोशिशें की जाएंगी। ऐसा लगने लगा था पिछली सरकार में कि सहयोगी शायद जरूरी नहीं है।